स्टूडेंट्स, अब मैं द होमकमिंग का तीसरा पार्ट बताने जा रहा हूँ। फटिक एज सून एज ऑल वाज सेटल्ड केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट व्हेन दे वेयर टू स्टार्ट। जब सब कुछ सेटल हो गया, सब कुछ निश्चित हो गया कि अब जाना है, तो फटिक ने अपने अंकल से पूछना जारी रखा। हर मिनट वो पूछ रहा था कि हम लोग कब चलेंगे। He was on pins and needles all day long with excitement. वो पूरे दिन उत्तेजना में था और उसको एक चुभन हो रही थी। Pins and needles मतलब चुभन महसूस होना, तो घर पे होना उसके लिए चुभन की बात थी। And lay awake most of the night, और रात के समय अधिकांश समय वह जगा ही रहा, मतलब ठीक से सोया भी नहीं। He bequeathed टू माखन इन परपेट्यूटिटी हिज फिशिंग रॉड हिज बिग काइट एंड हिज मार्बल्स। बिक्यूथेड मतलब वसीयत कर दिया, परपेट्यूटी मतलब अस्थाई रूप से। तो फटिक ने अब माखन को अस्थाई रूप से कुछ वसीयत किया। क्या वसीयत में दे रहा है? फिशिंग रॉड मछली पकड़ने वाली जो छड़ी थी उसको दिया, और बिग काइट जो बड़ी सी पतंग थी उसको भी दे दिया, और मार्बल्स कंचे भी दिया। इंडीड एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर हिज जेनरसिटी टूवर्ड्स माखन वाज अनबाउंडेड। वास्तव में यह जो विदाई का समय था, प्रस्थान का समय था, इस समय फटिक की उदारता माखन के प्रति सीमाहीन थी, मतलब बहुत ज़्यादा उदारता वह दिखा रहा था माखन के प्रति। When they reached Calcutta, Phatik made the acquaintance of his aunt for the first time. जब वे लोग कलकत्ता पहुँचे तो फटिक ने अपनी आंट से पहली बार जान पहचान किया, मतलब वो अपनी आंट से या कहिए कि मामी से पहली बार मिला और उनसे परिचित हुआ। Acquaintance मतलब जान पहचान। She was by no means pleased with this unnecessary addition टू हर फैमिली। और वह जो उसकी मामी थी, उसके परिवार में जो एक अनावश्यक शख्स अनावश्यक व्यक्ति को जोड़ा गया था, इस चीज़ से वह प्रसन्न नहीं थी, उनको कोई खुशी नहीं थी। शी फाउंड हर ऑन थ्री बॉयज क्वाइट इनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स। वो पाती थी कि उनके जो अपने तीन बच्चे हैं उनको संभालना ही बहुत है, अब किसी और को संभालना उनके बस के बाहर है। And to bring a village lad of 14 into their midst was terribly upsetting. और उनके बीच एक 14 साल के देहाती लड़के को लाना और भी भयानक और खिन्नता बढ़ाने वाला बात है, बढ़ाने वाली वस्तु है। मतलब तीन बच्चे जो हैं उनमें एक 14 साल का देहाती लड़के को ला दिया गया, तो यह बहुत ही भयानक है। टेरिबली मतलब भयानक, अपसेटिंग मतलब खिन्नता उत्पन्न करने वाला है। विशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रेशन। इनडिस्क्रेशन मतलब होता है अविवेकपूर्ण कार्य। उसकी मामी सोच रही है कि विशंबर से कम दो बार सोचना चाहिए था इस अविवेकपूर्ण कार्य को करने से पहले। मतलब जो फटिक को लेके आया है विशंबर, उसकी पत्नी के अनुसार यह बिल्कुल ही अविवेकपूर्ण कार्य है और उसको कम से कम दो बार सोचना चाहिए था। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर देयर इज नो वर्स न्यूसेंस देन ए बॉय एट द एज ऑफ 14। इस मानव के संसार में इससे अधिक उत्पात करने वाला कुछ भी नहीं है, इससे अधिक उपद्रवी कुछ भी नहीं होता, और किससे अधिक उत्पात या उपद्रवी नहीं होता 14 साल के लड़के से। मतलब इस संसार में 14 साल के लड़के से अधिक उपद्रवी कुछ भी नहीं होता। न्यूसेंस मतलब उपद्रवी। ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल नॉर यूजफुल। ये 14 साल का लड़का ना तो कोई सजावट की चीज़ होता है, ऑर्नामेंटल मतलब ना तो अच्छा लगता है, ना यूजफुल होता है, ना तो वह किसी काम का होता है। इट इज इम्पॉसिबल टू शो अवर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन लिटिल बॉय। जैसा कि छोटे बच्चों के ऊपर स्नेह दिखाया जाता है, वैसा स्नेह दिखाया जाना भी
असंभव है एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और जैसा कि वह पाना चाहता है। इफ ही टॉक्स विथ ए चाइल्डलेस लिस्प ही इज कॉल्ड ए बेबी, अगर वह एक बच्चों की तरह बात करता है तो उसको लोग बच्चा कहते हैं कि तो वही बहुत बच्चा है। एंड इफ ही आंसर इन ए ग्रोन अप वे ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, और जब वह थोड़ा सा परिपक्वता के साथ जवाब देता है तो लोग कहते हैं कि यह उदंड हो गया है। इम्पर्टिनेंट मतलब उदंड। इनफैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिसेंटेड, और वास्तव में देखा जाए तो उसकी कोई भी बात क्रोधित करने वाली होती, मतलब 14 साल का लड़का कुछ भी करता है कहता है तो सारी चीज़ें क्रोधित करने वाली ही होती हैं। हिज वॉइस ग्रोज होर्स एंड ब्रेक्स एंड क्वेवर, हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली, ये 14 साल के लड़की के जो आवाज़ होती है कर्कश हो जाती है, होर्स मतलब कर्कश, ब्रेक्स मतलब टूटने लगती है, उसकी आवाज़ टूट 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 के निकलती है, और क्वेवर कुछ कांपती भी है, और उसका जो चेहरा होता है अचानक ही नुकीला हो जाता है और अनसाइटली हो जाता है और भद्दा हो जाता है। 14 साल के लड़के की आवाज़ कर्कश होती है, टूटी हुई होती है, कांपती हुई होती है, उसका चेहरा अचानक ही नुकीला हो जाता है और भद्दा हो जाता है। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, बट इट इज़ हार्ड टू टोलरेट इवन अनएवॉइडेबल लैप्स इन ए बॉय ऑफ 14। अब कोई लड़का है 14 साल का तो अगर वह कुछ अवांछनीय या अपरिहार्य कार्य करता है, अनएवॉइडेबल मतलब अपरिहार्य और लैप्स मतलब भूत, तो वह 14 साल का लड़का कोई अपरिहार्य कार्य करता है तो उसको क्षमा करना या उसको सहना मुश्किल होता है। तुलनात्मक रूप से वही कार्य किसी छोटे बच्चे के द्वारा किया जाए तो द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस, और लड़का स्वयं अपने आप में काफ़ी कष्ट महसूस कर रहा होता है और अपने प्रति काफ़ी जागरूक रहता है। व्हेन ही टॉक्स विद एल्डरली पीपल ही इज आइदर अंडरली फॉरवर्ड, जब 14 साल का लड़का किसी ऐसे व्यक्ति से, किसी बड़े व्यक्ति से बात कर रहा होता है तो प्रायः अनावश्यक रूप से बढ़ चढ़ के बोलता है, अंडली मतलब अनावश्यक, आर एल्स सो अंडली साई दैट अपीयर्स अशेम्ड ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस, या कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं जो अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं और इतने शर्मीले होते हैं कि उनको अपने होने पर भी शर्म आती है। इट इज एट दिस वेरी एज व्हेन इन हिज हार्ट ऑफ हर्ट्स यंग लैड मोस्ट क्रेव फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड लव, और इस उम्र में 14 साल के लड़कों में अपनी पहचान बनाने की और अपने आसपास के लोगों से स्नेह पाने की इच्छा होती, वो चाहते हैं कि उनको स्नेह दिया जाए और उनको पहचाना जाए। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनी वन हु शोज हिम कंसिडरेशन, और 14 साल के लड़के उस व्यक्ति के प्रति समर्पित दास बन जाते हैं, डिवोटेड मतलब समर्पित, स्लेव मतलब दास, उस व्यक्ति के प्रति बन जाते हैं जो उनके प्रति अपनी राय रखता है, अपना दृष्टिकोण रखता है, मतलब ये दिखाता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच समझ रहा हूँ, तुमको समझता हूँ। बट नन डेयर ओपनली लव हिम फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडलजेंस एंड देयर फॉर बैड फॉर द बॉय, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसके प्रति खुलकर स्नेह या प्यार नहीं दिखा पाता, क्योंकि अगर ऐसा वह करता है तो उसको कहा जाता है कि तुम अवांछनीय रूप से अवांछनीय इच्छा की पूर्ति कर रहे हो, और ऐसा करने से लड़का बिगड़ जाएगा। मतलब 14 साल का कोई लड़का है तो उसके प्रति अगर कोई ज़्यादा स्नेह दिखाता है तो कहा जाता है कि तुम उसको जो इच्छा पूर्ति कर रहे हो ऐसा नहीं करना चाहिए। अनड्यू मतलब अवांछनीय, इंडलजेंस मतलब इच्छा पूर्ति।
तो ऐसी इच्छा की पूर्ति कर रही हो जो नहीं करना चाहिए, और ऐसा करने से लड़का बिगड़ जाएगा। सो वाट विथ स्कॉल्डिंग एंड चाइल्डिंग ही बिकम्स वेरी मच लाइक ए स्ट्रे डॉग दैट हैज लॉस्ट हिज मास्टर। और अगर उसको बहुत डांटा फटकारा जाता है, स्कॉल्डिंग एंड चाइल्डिंग मतलब डांटना फटकारना, तो वह एक आवारा कुत्ते की तरह हो जाता है जिसका अपना कोई मालिक नहीं होता, या जो अपने मालिक को खो चुका होता है। फॉर ए बॉय ऑफ 14 हिज ऑन होम इज द ओनली पैराडाइज। 14 साल की लड़के के लिए अपना घर ही स्वर्ग होता है। पैराडाइज मीन्स स्वर्ग। टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस विथ स्ट्रेंज पीपल इज लिटिल शॉर्ट ऑफ फॉर्चून, व्हाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाई देम। और 14 साल के लड़के के लिए एक अनजाने घर में अनजाने लोगों के बीच में रहना शॉर्ट ऑफ फॉर्चून होता है, मतलब दुर्भाग्य की बात होती है। व्हाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वीमेन एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाई देम। और 14 साल के लड़कों में यही भी इच्छा होती है कि कोई औरत उनके प्रति स्नेह दिखाए। बल्कि ये कहिए कि जब कोई औरत उनके प्रति स्नेह दिखाती है तो उनके लिए यह बहुत बड़ी बात होती है, बहुत सौभाग्य की बात होती है, बहुत खुशी की बात होती है। इट वॉज एंगेस टू पथिक फटिक टू बी अनवेलकम गेस्ट इन द ऑन्ट्स हाउस डिस्पाइज बाई दिस एल्डरली वुमेन एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेजन। फटिक के लिए बहुत ही कष्टकारी था, अंगिस मतलब कष्टकारी, कि उसका अपनी मामी के घर में सम्मान नहीं किया गया, वेलकम नहीं किया गया, उसकी उपेक्षा की गई। और उसकी उपेक्षा की गई उस बड़ी औरत जो कि उसकी मामी थी, मामी के द्वारा उसकी उपेक्षा की गई एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेजन। और ये ऐसा एक दो बार नहीं हुआ, बल्कि हर अवसर पे उसकी ये उपेक्षा की जाती थी उसकी मामी के द्वारा। इफ सी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनी थिंग फॉर हर ही वुड बी सो ओवर जॉयड दैट ही वुड ओवर डू इट। और जब कभी उसे कोई कार्य करने के लिए कहा जाता था तो वह अति आनंदित होता था और उस कार्य को आवश्यकता से कहीं ज़्यादा कर देता था। एंड देन सी वुड टेल हिम नॉट टू डू सो स्टूपिड बट टू गेट ऑन विथ हिज लेसन। और ऐसा करने पे उसकी मामी कहती थी कि इतना मूर्ख मूर्ख बनने की आवश्यकता नहीं है, इतना भोला बनने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने काम से काम रखो। मतलब जब आवश्यकता से अधिक काम कर देता था तो मामी कहती थी कि इतना मूर्खतापूर्ण रवैया दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जितना कहा जाए उतना ही करो। द क्रैम्प्ड एटमॉस्फियर ऑफ निगलेक्ट इन हिज आंट्स हाउस अप्रेस्ड फटिक सो मच दैट ही लेफ्ट दैट ही फेल्ट दैट ही कुड हार्डली ब्रेथ। क्रैम्प्ड मतलब होता है तंग, एटमॉस्फियर मतलब वातावरण, निगलेक्ट मतलब उपेक्षा। तो अपनी आंटी के या अपनी मामी के घर में जो उसको तंग उपेक्षित माहौल मिला था, उसमें उस माहौल ने फटिक को इतना दबा दिया था, उसको महसूस हो रहा था कि वो बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा है। ही वॉन्टेड टू गो आउट इन टू द ओपन कंट्री एंड फील हिज लंग्स एंड ब्रेथ फ्रीली। वो एक खुले हुए देश में जाना चाहता था, देश से मतलब एक खुले हुए स्थान पे जाना चाहता था और अपने फेफड़ों में ताजी हवा को भरना चाहता था। बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ पे वो जा सके और ऐसा कर सके। सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाई कलकत्ता हाउस एंड वॉल्स ही वुड ड्रीम नाइट
after night of his village home and longed to be back there. लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई स्थान नहीं था और कलकत्ता में जो घर थे साइड बाय साइड थे, मतलब एक घर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, दीवारें सटी हुई थी और वह रात में सपने देखा करता था. ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट, हर रात वह सपने देखा करता था अपने गांव के घर का कि लॉन्ग टू बी बैक, और कब वो अपने घर जाएगा. ही रिमेम्बर्ड द ग्लोरियस मीडो वेयर ही यूज टू फ्लाई हिज काइट ले, वो उस अपने गांव के शाही चारागाह की याद किया करता था जहाँ पे वह अपनी पतंग को दिन भर उड़ाया करता था. मीडो मतलब चारागाह और ग्लोरियस मतलब शाही.